अभी ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। किसान आंदोलन की ताकत को देखते हुए मोदी सरकार इस काले कृषि कानून को वापस लेने के लिए मजबूर हुई। आज हम लोग खुशियों की दिवाली मना रहे हैं। हम आज हमारे लिए, किसानों के लिए, अन्नदाता के लिए आज बड़ी ही खुशी का दिन है। मधेपुरा संचार देखने आप, मैं हूँ आपके साथ मनदीप कुमार। आज तीन कृषि कानून जो है केंद्र सरकार द्वारा वापस लेने की फैसला ली गई है, उसके खुशी में किसान नेता के द्वारा जो है मधेपुरा के कॉलेज चौक पर पटाखा फोड़कर, अबीर गुलाल लगाकर खुशी मनाई जा रही है। आज केंद्र सरकार द्वारा जो है तीन कृषि कानून वापस ले लिया गया है, इस पर आप लोग खुशी का इजहार? यह हमारे किसान आंदोलन की बड़ी जीत है। विगत एक साल से इस काले कृषि कानून के खिलाफ राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन चल रहा था। लगभग 700 किसानों ने अपनी शहादत दी। उनकी शहादत के बल पर और किसान आंदोलन की ताकत को देखते हुए मोदी सरकार इस काले कृषि कानून को वापस लेने के लिए मजबूर हुई। हम आज हमारे लिए, किसानों के लिए, अन्नदाता के लिए आज बड़ी ही खुशी का दिन है और इसी खुशी का इजहार आज हम मधेपुरा के अंदर कर रहे हैं। लेकिन अपने इस आंदोलन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार अविलंब संसद सत्र बुलाकर इस कृषि कानून को रद्द करो और उन तमाम शहीदों को शहीद का दर्जा देते हुए उनके परिजन को 1-1 करोड़ रुपया और 1 सदस्य को सरकारी नौकरी दो, अन्यथा पुनः पार की लड़ाई लड़ने को हम मजबूर होंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कहा कि अभी हम किसान आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। कैसे खत्म करेंगे? जब तक संसद के अंदर इसको रद्द नहीं किया जाएगा, हमारे किसान आंदोलन पर डटे हैं। आंदोलन जारी रहेगा जब तक पार्लियामेंट के अंदर प्रक्रिया पूरा नहीं किया जाएगा। क्या नाम आपका? प्रमोद प्रभाकर, प्रभारी बिहार आज किसान सभा। और भी यहाँ पर नेता मौजूद हैं, इन लोगों से भी बातचीत करते हैं। आज आप लोगों के द्वारा जो है जब तीन कृषि कानून वापस लेने की फैसला की गई, तो उसके बाद आज आप लोग कॉलेज चौक पर खुशी का इजहार कर रहे हैं अभी लगाकर? आज हम लोग खुशियों की दिवाली मना रहे हैं। विगत एक वर्षों से अनवरत किसान आंदोलन चल रहा है। 800 किसान लगभग शहीद हुए। आज हमारी लड़ाई की पहली विजय है। लड़ाई तो आगे रहेगी, अभी ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। न्यूनतम कृषि समर्थन मूल्य सरकार को लागू करना होगा। शहीद हुए किसानों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा देना होगा। उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी देनी होगी। हम लोग अभी रुकने वाले, झुकने वाले नहीं है। केंद्र सरकार को हर हालत में कृषि नीति बनानी होगी। कृषि को उद्योग का दर्जा देना होगा। रमन कुमार, राज सचिव, बिहार राज्य किसान सभा, मधेपुरा। इनकलाब जिंदाबाद। किसान नेता के द्वारा जो है लगातार करीब एक साल से ज़्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी इन लोगों के द्वारा जो है आंदोलन की जा रही थी और यहां पर खुशी के इजहार के साथ कॉलेज चौक पर जो है खुशी का इजहार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उत्साह जरूर है। जब आज तीन कृषि कानून वापस लिया गया, तो तीन कृषि कानून वापस लेने के बाद आज जो है मधेपुरा में कॉलेज चौक पर इन लोगों के द्वारा जो है अबीर लगाकर, पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया जा रहा है। और आपको बता दें कि करीब एक साल से ज़्यादा वक्त बीत चुका था, एक साल से ज़्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी आज इन लोगों के द्वारा जो है जब तीन कृषि कानून वापस लेने की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर कॉलेज चौक पर काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर समर्थक उनके मौजूद थे। तो इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। बहरहाल मनदीप को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मधेपुरा संचार।